Hey guys, this is Sarfe and welcome to my YouTube channel. तो अभी जो आप देख पा रहे हो ये टॉपिक क्लास 10th, क्लास 11th एंड 12th इन सब में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास है क्लास 10 के फाइनल बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल खानदानी क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बनते ही हैं। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये अभी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहेगा, मैं सारी बातें बताऊंगा कि आपके फाइनल बोर्ड में इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म क्या है, दूसरे वर्ड में हम इसको यदि कह सकते हैं आइसोमर। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो उसको आइसोमर कहते हैं और इस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम में आपको आइसोमर बहुत कम देखने को मिलेगा लेकिन आइसोमेरिज्म पूछ देता है। तो क्या कहेंगे, दोज कंपाउंड्स विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है, एक फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है कि एक ही कंपाउंड हो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसको लिखने का तरीका जो होना चाहिए यानी उसका जो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। एक ही कंपाउंड हो, फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर क्या हो अलग हो। इसका डेफिनेशन लिखता हूं, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड क्या आइसोमर इज नोन एज आइसोमर एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब जरा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो। अब जरा सोचिए, अब एक बात पहले बताओ, आप मुझे बात बताना, ये है दो कार्बन, क्या इस दो कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? देखिए तो यहां भी दो कार्बन है, यहां भी दो कार्बन है। अब मुझे बताओ इस दो कार्बन से और इस दो कार्बन में क्या इस दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, डिफरेंट नहीं है। जब डिफरेंट नहीं होगा तो आप बताओ क्या आइसोमर आप कहोगे? आइसोमर किसको कहेंगे? फॉर्मूला सेम हो, यहां दो कार्बन है, यहां भी दो कार्बन है, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। यहां पे स्ट्रक्चर क्या है? दोनों का सेम है। तो पता क्या चला कि दो कार्बन से आइसोमर नहीं होगा। चलिए अब तीन कार्बन देखते हैं, तो आप बताओ ये हुआ तीन कार्बन। तीन कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है, राइट ना। चलिए क्या अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दो और इसको यहां लिख देते हैं? अब मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है? बेशक सेम है लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है? क्योंकि आइसोमर के होने के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। क्या ये स्ट्रक्चर तीन कार्बन से और ये तीन कार्बन से स्ट्रक्चर क्या दोनों डिफरेंट है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी तीन कार्बन स्टेट में है, यहां भी तीन कार्बन स्टेट में है। तो पता क्या चला कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इस दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो आइसोमर कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो क्या ओवरऑल पता चला कि तीन कार्बन से भी आप आइसोमर नहीं बना सकते हो, तीन कार्बन से भी आइसोमर नहीं बना सकते हो। तो पता क्या चला, अब चलो मैं चार कार्बन से लेता हूं, ठीक है, एक दो तीन चार, राइट।
अब यहां पे मैंने चार कार्बन दिया और बताओ यहां पर बॉन्ड कितना होगा, चार। तो एच कितना होगा खुद सोचिए, एक दो एच लगा दो, क्या दिक्कत है, नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा सोचिए चार कार्बन है, एच कितना होगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, यानी कि फॉर्मूला हमारा आ गया C4H10। इसको कहते हैं क्या, ब्यूटेन, चार कार्बन से, राइट। अब बताओ मुझे ये चार कार्बन है, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या तीन कार्बन यहां लगा दूं और चौथा जो कार्बन है क्या मैं यहां लिख दूं। अब मुझे आप बताओ क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है या डिफरेंट है, इसमें बॉन्ड लगाओ चार या लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या दोनों सेम है, आप कहोगे नहीं सेम है, सेम है, कभी सेम नहीं है भाई। अगर हाँ ये कार्बन यहां पर अगर हम लगा देते तो सेम हो जाता इससे, लेकिन यहां पे अलग है, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग है। तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला सेम है, यहां भी देख लो चार कार्बन है, एच दस है, यहां भी देख लो आप, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, खुद सोचिए जरा, खुद आप सोच सकते हो कि एच कितना हो गया, तीन छह सात आठ नौ दस, यहां भी सी चार था एच दस था, यहां भी सी चार है एच दस है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो हम आइसोमर कहेंगे। तो पता क्या चला कि आइसोमर होने के लिए मिनिमम कार्बन एटम कितना चाहिए, तीन चाहिए, मिनिमम कार्बन एटम तीन चाहिए। तो पता चला क्या, तीन नहीं सॉरी चार चाहिए। तो पता क्या चला कि ब्यूटेन का दो आइसोमर है, एक आपको बोल सकते हो नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको हम कह सकते हैं क्या, आइसोब्यूटेन, क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन, या इसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं इसको टू मिथाइल प्रोपेन। याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि ब्यूटेन का कितना आइसोमर, राइट, ऑल द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो दो होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। दूसरी बात क्या याद रखना है कि आइसोमर होने के लिए मिनिमम कार्बन एटम कितना चाहिए, तो आप कहोगे चार चाहिए, यानी ब्यूटेन से स्टार्ट ही होता है। चलिए अब पेंटेन का लिखते हैं, तो पेंटेन के लिए C5H12, तो आप खुद सोचिए, एक दो तीन चार पांच, ये तो आपका नॉर्मल पेंटेन होगा, याद रखिए जो स्ट्रेट में आप लिखोगे ना उसको कहोगे नॉर्मल, तो ये आपका हो गया नॉर्मल पेंटेन, क्लियर है। चलिए अब मैं मुझे आप बताओ क्या मैं यहां पर चार कार्बन देता हूं और एक कार्बन यहां लगा सकता हूं क्या, तो आप मुझे बताओ क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, आप कहोगे कतई नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन, क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। और इसी आइसोपेंटेन को हम दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे, आप खुद देख लो, ये टू मिथाइल है, टू पे मिथाइल है, एक दो तीन चार, चार कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो इसका नाम हुआ दूसरे वर्ड में टू मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर है। तो पहला नॉर्मल पेंटेन, एक दूसरा हो गया आइसोपेंट, और एक और का बताओ, नीचे दिख रहा है थोड़ा सा, पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, याद है तो देखिएगा। चलिए अब मुझे बताओ इसी का पहला आइसोमर हो गया, ये दूसरा हो गया, और यहां लिख रहा हूं तीसरा, आप मुझे बताओ स्ट्रेट में तीन कार्बन ले देते हैं, क्लियर है, और दो कार्बन और लिख रहे थे, एक कार्बन ऊपर लगा दो और एक कार्बन यहां लगा दो, दिख रहा है। तो जरा सोचिए क्या ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा पेंटेन का, क्या इस दोनों से ये सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, यानी डिफरेंट है। और जब डिफरेंट हो गया तो आइसोमर होगा कि नहीं होगा, बेशक होगा। तो पता क्या चला कि पेंटेन का तीन आइसोमर होता है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम होगा याद रखिएगा नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन को ही दूसरे वर्ड हम कह सकते हैं क्या, ये टू पेमिथाइल है, ये भी टू पेमिथाइल है, तो टू टू डाइमिथाइल, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, तीन कार्बन के लिए क्या होता है प्रोपेन, तीन कार्बन के लिए प्रोप। यानी पता क्या चला कि पेंटेन का तीन आइसोमर होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। एक और टॉपिक आपका बच गया, हेक्सेन का आइसोमर, आइए हेक्सेन का आइसोमर लिखते हैं। तो हम लोगों ने पेंटेन का आइसोमर तीन देखा, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब लास्ट एक बात बताऊंगा आपको, हेक्सेन का आइसोमर, आइसोमर ऑफ आइसो
मोलर ऑफ हेक्सेन। आप जानते हो हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14, राइट। अब हमें देखना है कि हेक्सेन का आइसोमर कितना होता है। तो एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले तो आपका जो आइसोमर होगा वो स्ट्रेट में होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल हेक्सेन। क्या कहेंगे, नॉर्मल हेक्सेन, राइट, जो स्ट्रेट में होता है नॉर्मल हेक्सेन। दूसरा आइसोमर अगर लिखना हो तो बताओ मुझे, क्या ऐसा नहीं सकते हैं 5 कार्बन स्ट्रेट में लगा दो, राइट, और छठा जो कार्बन है ना इसको यहां पर लगा दो, लगा सकेंगे, इसका नाम क्या होगा, 2-methyl-1,2,3,4,5 पेंटेन, 2-methyl-pentane, क्लियर है, 2-methyl-pentane दूसरा आइसोमर। तीसरा आइसोमर अगर हमें लिखना है तो आप बताओ क्या ऐसा मैं कर सकता हूं, 5 कार्बन स्ट्रेट में लगता हूं, ठीक है, और छठा कार्बन जो है ना, अब पहले 2 पर लगाते हैं, अब यहां पर 3 पर लगा देते हैं, कोई दिक्कत, इसका नाम क्या होगा, 1, 2, 3 इधर से भी 3 पे, इसका नाम होगा 3-methyl-pentane, क्लियर है। चलिए चौथा आइसोमर हमें लिखना है तो आप मुझे बताओ क्या लिख सकते हैं, ऐसा 2, 3, 5, अगर सोचिए आप, अगर इस कार्बन को अगर मैं यहां पर ले आता हूं, मतलब कि छठा कार्बन जो था ना इसको अगर हम यहां पर लिखते हैं तो आप बताओ ये वाला जो पार्ट होगा 2-methyl-pentane बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा, तो यहां पर तो लिख नहीं सकते, तो करना क्या होगा, यहां से एक कार्बन हटाना होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करो कि यहां सी लगा दो एंड यहां पर सी लगा दो 2 पे, या यहां पर भी लगा देते हैं, क्या बताओ ये स्ट्रक्चर जो हमने लिखा इससे सेम है या इससे सेम है या इससे सेम है, नहीं है, जब नहीं है तो एक बार आइसोमर होगा, इसका नाम होगा 2,2-methyl-pentane, क्लियर है, ये हमारा फोर्थ हुआ ऑप्शन, क्लियर है ना, 2,2-methyl-pentane। और एक और हम लोग आके आसान नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहां पर ले जाते हैं, फिर कोई बात नहीं है, यहां पर ले जाते हैं, आप गौर फरमाना, क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, 4 कार्बन स्ट्रेट में लगा दो, दिख रहा होगा, और कह दो क्या कि 5वां-6वां कार्बन को ना यहां पर लगा दो फिर यहां लगा दो। अब मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो इन सबसे सेम है या डिफरेंट है, आप कहोगे बिल्कुल डिफरेंट है, जब डिफरेंट है तो आइसोमर हो सकता है, तो इसका नाम हुआ क्या, 2,3-dimethyl-butane, 4 कार्बन स्टेट में, इसका नाम होगा 2,3-dimethyl-butane। अब फिर मुझे बताओ क्या अब इसके अलावा और भी तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आइसोमर ऑफ हेक्सेन जो होता है वो 5 ही ड्रॉ कर सकते हैं, 6 नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो पता क्या चला होगा कि ब्यूटेन का 2 आइसोमर होता है, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, पेंटेन का 3 आइसोमर होता है, नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, और हेक्सेन का 5 आइसोमर होता है जो मैंने लिखा, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई। तो यही एक टॉपिक था आइसोमर आइसोमेरिक जो आपको मुझे समझाना था, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर आप देखोगे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो आशा करता हूं सारी बातें समझ में आई होगी, अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।